गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग ऑफ माय चैनल। तो टाइटल देख के तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि आज के वीडियो किस टॉपिक के ऊपर है। जब से मैंने वो वीडियो शेयर किया था ना, कि जिसमें मैंने अपने हाउस प्लांट्स के बारे में, मेरे जो नए नए पौधे लाए हैं उसके बारे में मैंने आप लोगों से शेयर किया था, तो उसके बाद से काफी सारे फ्रेंड्स का ये कमेंट आया था कि मैं अपने हाउस प्लांट के बारे में उन लोगों को और डिटेल में बताऊं, यू नो, कैसे उनको केयर करना है, कितना धूप पानी सब चाहिए, इस सब के बारे में। मैंने सोचा कि सबको अलग अलग आंसर करने की जगह पे क्यों ना मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूं हाउस प्लांट के ऊपर। तो आज मैं वही वीडियो लेके आई हूँ। तो चलिए विदाउट फर्दर डिले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं अपने सारे हाउस प्लांट को लेके बैठी हूँ। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ कि हम लोग दो टाइप के प्लांट्स रख सकते हैं, एक होता है इंडोर प्लांट्स, एक होता है आउटडोर प्लांट्स। यूजुअली क्या होता है, प्लांट रखने की इच्छा हम सब लोग रखते हैं, बट जब हम लोग प्लांट्स लेके आते हैं पहला प्रॉब्लम आता है, हमको पता नहीं होता है कि कौन सा प्लांट इंडोर है, कौन सा प्लांट आउटडोर है, उनकी केयर कैसे करते हैं। सेकेंडली हमको ये नहीं समझ में आता है कि कौन सा प्लांट हम लोग खरीदे। तो ये सारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन मैं आज के वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहली बात, जो इंडोर प्लांट्स होते हैं और जो आउटडोर प्लांट्स होते हैं, दोनों प्लांट्स के रिक्वायरमेंट बिल्कुल अलग होता है। वो आप पानी के लिए बोलिए, वो आप धूप के लिए बोलिए, लाइट के लिए बोलिए, खाद के लिए बोलिए, जो बंगाली में शार्ड बोलते हैं जिसको, हर चीज का रिक्वायरमेंट इंडोर आउटडोर प्लांट का अलग होता है। तो आज के वीडियो में मैं सिर्फ और सिर्फ इंडोर प्लांट्स के बारे में बात करूंगी, आउटडोर प्लांट के लिए मैं एक सेपरेट सा वीडियो डालूंगी, तो आप लोग वो वीडियो देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। जो भी मेरे फ्रेंड्स इंडोर गार्डनिंग स्टार्ट करने वाले हैं, यू नो, घर पे हम लोग जब घर को जब सजाते हैं, उस घर में अगर प्लांट ना हो तो वो डेकोरेशन कभी भी कंप्लीट नहीं होता है, ये आप लोगों को पता है। लेकिन बहुत सारे फ्रेंड्स ऐसा बोलते हैं कि हमारे प्लांट्स मर रहे हैं। तो क्यों मर रहे हैं, वो सारी चीजें मैं आज आप लोगों को बताती हूँ। तो सबसे कॉमन जो प्लांट है जो हम लोग घर पे रख सकते हैं वो है मनी प्लांट। तो मैं आप लोगों को मेरा मनी प्लांट दिखाती हूँ। ये देखिए, एक मेरे पास ये वाला मनी प्लांट है। मनी प्लांट को पोथोस भी बोला जाता है, इसका साइंटिफिक नेम पोथोस है। तो ये मेरा पहला मनी प्लांट है। तो ये इसका पत्ते आप लोग देख सकते हैं, इसका पत्ते थोड़ा सा लाइट ग्रीन के ऊपर है और काफी शाइनी है। तो ये वेरिकेटेड वैरायटी है, जो देसी वाला वैरायटी है उससे अलग है। तो मेरे पास एक ये मनी प्लांट है, एक मेरे पास ये वाला भी मनी प्लांट है जो यूजुअली हम लोगों को दिखता है, इसके पत्ते के ऊपर ऐसा ग्रीन कलर सा रहता है। तो ये दो मनी प्लांट मेरे पास है अभी। और ये जो मदर वाला मनी प्लांट मैंने आप लोगों को दिखाया, इनके ब्रांचेस में प्रूनिंग करते रहती हूँ, और उससे आप लोग अगर देखेंगे, मैंने ये मनी प्लांट को मैंने स्टार्ट किया है। मैं आप लोगों को थोड़ा पास से दिखाती हूँ, ये मिट्टी में लगा हुआ है और इसके ही पत्ते को कट करके मैंने यहाँ पे लगाया है। और अभी इनके जो रूट से आप लोग देख सकते हैं नीचे से आ गया है, और इसके ऊपर भी यहाँ पे छोटा सा आप लोगों का दिख रहा है, जो छोटा सा नया ब्रांचेस भी आना स्टार्ट हो गया है। ऐसा आप लोग इसको मिट्टी में ग्रो कर सकते हैं, वैसे ही आप लोग इसको पानी में भी ग्रो कर सकते हैं। देखिए, ये वाले मनी प्लांट को मैं नॉर्मल पानी में ग्रो किया है, कुछ नहीं है इसके अंदर, ये नॉर्मल पानी में ग्रो किया हुआ है। तो जो मनी प्लांट होता है, मनी प्लांट ग्रो करने की सिर्फ एक ही चीज है जो आप लोगों को ध्यान रखना है, वो है धूप और पानी। तो मनी प्लांट को एक्चुअली धूप बहुत कम चाहिए, आप लोग चाहे तो इसको मॉर्निंग का धूप दे सकते हैं, जो सुबह का धूप आता है, बट दोपहर के बाद 12 बजे के बाद की धूप मनी प्लांट को बिल्कुल नहीं चाहिए। अगर मनी प्लांट को दोपहर का धूप मिलेगा तो उसके पत्ते येलो होने लग जाएगा। ये जो टिप है, मैं आप लोग को दिखाती हूँ, ये जो टिप है, इस टिप से ये येलो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये जो मेरा मनी प्लांट है, ये मेरा बालकनी में रहता है, तो इसको मॉर्निंग 12 बजे तक का धूप मिलता है, बट आप लोग देखिए एक भी टिप मेरा ब्राउन नहीं है, प्रॉपर ग्रीन है, क्योंकि मैं इस मनी प्लांट को दो दिन में एक बार पानी देती हूँ, और इसको जितना धूप मिलता है वो तेज वाला धूप नहीं होता है, सुबह का मॉर्निंग का धूप इसको मिलता है। ये जो मेरा मनी प्लांट है, ये कम्प्लीटली इंडोर रहता है, और इसको मैं गर्मियों के टाइम पे वीकली एक बार पानी देना है, और ठंडियों के टाइम में 15 दिन में एक बार पानी देना है। तो मनी प्लांट को अगर आप ज्यादा पानी देते हैं, देन इसका रूट खराब हो जाता है, आपका मनी प्लांट लेगी लेगी सा होने लगता है, लेगी इन द सेंस डंठल लंबा हो जाता है, बस उसमें पत्ते नहीं आते। तो ये चीज आप लोगों को मनी प्लांट के बारे में ध्यान रखना है। बाकी मनी प्लांट बहुत ही इजी टू ग्रो है, बहुत इजी टू केयर है, इसमें खाद की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है, बट यस, महीने में एक बार आप थोड़ा सा लिक्विड खाद या बाजार में जो खाद मिलता है वो आप लोग डाल सकते हैं, बट मैं नहीं डाला है अभी तक, मैंने अपने कोई भी प्लांट पे कुछ भी खाद नहीं डाला है। तो ऐसे ही मनी प्लांट तो बहुत इजी होता है ग्रो करना। नेक्स्ट जिस प्लांट के बारे में बात करना चाहती हूँ वो है ये स्पाइडर प्लांट।
मेरे लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को दिखाया था कि ये नया प्लांट जो मैं लेके आई हूँ, और देखिए इसका ग्रोथ भी स्टार्ट हो गया है। और ये हैंगिंग प्लांटर में ये जो स्पाइडर प्लांट है ये बहुत ही अच्छा लगता है। तो इसको आप लोग इंडोर आउटडोर दोनों ग्रो कर सकते हैं। तो इंडोर ग्रो करना तो ज्यादा ईजी है, बट आउटडोर पे अगर आप लोग इसको ग्रो करते हैं देन अगेन इसको सिर्फ और सिर्फ मॉर्निंग का धूप मिलना चाहिए। 12 बजे का बाद का धूप इनको बिल्कुल भी सहन नहीं होती है। तो आप इनको ऐसी जगह पे रखिए जहां पे सिर्फ मॉर्निंग का धूप आता है, मतलब इस वाले साइड में आप इसको रख सकते हैं, या फिर आपके पास अगर कोई कवर्ड बैल्कनी है आप वहां पे इसको रख सकते हैं। और इस प्लांट की सबसे अच्छी बात होती है, अगेन ये जो प्लांट है ये पानी ज्यादा डिमांड नहीं करता है। आप गर्मियों के टाइम में 2 दिन में एक बार पानी दीजिए अगर ये आउटडोर में है, और अगर इंडोर है तो हमेशा ही इसका मिट्टी को आप चेक कीजिए, ऐसा उंगली डालिए। तो अगर आपका हाथ में मिट्टी गीला गीला निकल के आ रहा है दैट मीन्स आपके पौधों के प्लस अभी भी पानी है। तो प्लीज ऐसे प्लांट को, इंडोर प्लांट्स को ओवर वाटरिंग मत कीजिए। ओवर वाटरिंग से ही प्लांट मर जाते हैं और कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। अगर आप किसी प्लांट को कम पानी देंगे तो वो बताएगा कि हाँ मेरे में पानी कम है। तो कम पानी से क्या होता है, इसके जो पत्ते हैं ना ये ऐसे मुड़ जाते हैं। तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसको पानी की जरूरत होती है और हम मुझे पानी डालना है। और इस प्लांट की बहुत अच्छी बात जो मैंने लास्ट टाइम भी आप लोगों को बताया था कि इसकी जो प्रोपेगेशन है, जैसे मनी प्लांट को आप कट करके लगा सकते हैं, तो इसका प्रोपेगेशन के सबसे ईजी तरीका होता है ये खुद ही अपना बेबी प्लांट देता है हर 6 महीने में। ये देखिए ये अभी तक छोटा है, अभी तक बड़ा नहीं हुआ है। तो ऐसे करके ये बेबी प्लांट देता है, बस जब ये इसमें से रूट आना स्टार्ट हो जाए, ये देखिए रूट भी मेरा आ रहा है अगर आप लोग को दिख रहा है तो जब ये थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा तो इसको कट करके मैं नॉर्मल किसी भी मिट्टी में लगा दूंगी तो ये दोबारा ग्रो कर जाएगा और बहुत अच्छे से ग्रो करेगा, बहुत अच्छे से रहेगा आपके घर पे। तो ये प्लांट जो भी बिगिनर्स है उनके लिए बहुत अच्छा है। तो आप लोग अगर गार्डनिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, नए नए इंडोर प्लांट्स गार्डनिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, तो प्लीज ये वाले प्लांट को रखिए। और ये प्लांट हैंगिंग बास्केट में बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। देखिए तीसरा जिस प्लांट के बारे में मैं बात करना चाहती हूँ वो बहुत ही कॉमन प्लांट है, आई थिंक आप लोगों को बहुत लोगों के घर में होता है, जो है ये बैम्बू वाले प्लांट जिसको लकी प्लांट भी माना जाता है। ऑफिस में घर पे इस प्लांट को रखा जाता है और ये भी मैं बहुत रिसेंट लेके आई हूँ आप लोगों को पता है। तो ये प्लांट तो मैंने पानी में ग्रो किया है, बहुत इजी होता है, बट हाँ इस पॉट में हमको बहुत ज्यादा पानी नहीं देना है, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पानी हमको इसमें डालना है और जब पानी खत्म हो जाए तब दूसरा पानी डालना है। और इसको हम लोगों को कभी भी ड्राई नहीं होने देना है। अगर आप इसको ड्राई होने देंगे देन इसके पत्ते येलो हो जाएगा और आपका पौधा बिल्कुल भी खराब हो जाएगा। तो ये मेरा एक बाम्बू प्लांट है और ये मेरा दूसरा बाम्बू प्लांट है जिसको मैंने मिट्टी में ग्रो किया है। तो मिट्टी में भी मैं इसको तभी पानी देती हूँ जब इसका मिट्टी बिल्कुल ड्राई हो जाता है। ओवर वाटरिंग नहीं करना है, अगेन ओवर वाटरिंग से ये प्लांट मर जाते हैं, कोई भी प्लांट मर जाएंगे इंडोर हो आउटडोर हो, बिकॉज आप लोग इसको पॉट में ग्रो कर रहे हैं। अगर वो हम लोग नॉर्मल जमीन पे ग्रो करते हैं तो बात अलग होती है, बिकॉज पानी में हम लोगों में ऐसा हैबिट होता है कि हम पानी डालते जाते हैं जो पौधों के लिए बहुत ही हानिकारक है। तो प्लीज इस बात का ध्यान रखिए। अब आगे जो दो प्लांट मैं बताना चाहती हूँ आप लोगों को वो उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जिनके पास गार्डनिंग का बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है, पहली बार गार्डनिंग स्टार्ट कर रहे हैं और घर के अंदर कुछ प्लांट रखना चाहते हैं बट उन लोगों को पता नहीं है कैसे प्लांट रखते हैं या कौन सा प्लांट रखते हैं। तो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि आप लोग कौन सा प्लांट ले सकते हो। तो ये जो प्लांट है इस प्लांट का नाम है जीजी प्लांट। तो आप इसके पत्तों को देख सकते हैं, ये ऐसे जिगजैग वे में रहते हैं इसलिए इसको जीजी प्लांट बोला जाता है। ये वन ऑफ द हार्डिएस्ट प्लांट है जो मैंने देखा है। इस प्लांट को नेग्लेक्टेड प्लांट भी बोला जाता है क्योंकि अगर आप इस प्लांट की ज्यादा ध्यान रखेंगे तो ये प्लांट मर जाएगा। अगर आप इसको वीकली भी पानी देंगे तो भी ये प्लांट मर जाएगा। इसको खाद नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। आप इसको 15 दिन 20 दिन में जब आपको याद आए उस टाइम पे इसको थोड़ा सा पानी दीजिए हर हाल, लेकिन जब पानी दीजिए तो इतना पानी दीजिए कि इसका पानी से ये बिल्कुल ड्रेन आउट हो जाए। तो मैं आप लोगों को बस ये बताना चाहती हूँ जब आप लोग कोई भी पॉट प्लांट के लिए मिट्टी बनाते हैं तो मिट्टी हमेशा बहुत पोरस रखिए। पोरस का मतलब क्या होता है, जिस मिट्टी में बिल्कुल भी पानी नहीं मतलब ठहरता है। नदी के पास में जो मिट्टी होती है ना वो जिससे भगवान की मूर्ति बनती है जिसको एटेल माटी बोलते हैं, बहुत गाढ़ा वाला, वो मिट्टी में अगर आप प्लांट लगाते हैं आपका प्लांट बहुत ज्यादा टाइम तक
नहीं लाइव करता है उसका रीजन है, एक तो वो मिट्टी में बहुत पानी होल्ड करता है जिसकी वजह से क्या होता है कि रूट रॉट हो जाता है। सेकेंडली वो मिट्टी के अंदर हवा नहीं रहता है, ऑक्सीजन नहीं रहता है, तो पौधे उसकी वजह से बहुत कमजोर हो जाता है। तो ऐसा मिट्टी रखिए जैसे ही आपने पानी डाला नीचे से पानी निकल जाए, हमेशा ऐसे ही मिट्टी को प्रिपेयर कीजिए। तो कैसा मिट्टी बनाना है वो मैं एक सेपरेट वीडियो में आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी। तो ये है ZZ प्लांट जिसको ग्रो करना भी बहुत ईजी है। इसको अगर आप लोगों को इसको एक से दो बनाना है, प्रोपेगेशन करना है, आप लोगों को सिर्फ इतना करना है कि ये जो प्लांट है ना, ये जो ब्रांचेस है इसको मैं यहाँ से कट करूंगी, नीचे के दो तीन लीव्स को मैं हटा दूंगी एंड इसको दूसरा मिट्टी में लगा दूंगी। विद इन 3 वीक ये रूट को ग्रो कर लेगा और दूसरा प्लांट बन जाएगा। अभी मेरा ये प्लांट बहुत ही छोटा है इसलिए मैं इसका कोई भी प्रोपेगेशन नहीं कर रही हूँ, बट इन फ्यूचर में मैं ये जरूर करूंगी और आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी कि ZZ प्लांट का प्रोपेगेशन कैसे किया जाता है। वैसे ये बहुत ही हार्डी प्लांट है, आप लोग अगर गार्डनिंग स्टार्ट करना चाहते हैं प्लीज गो फॉर दिस इज द बेस्ट वन मेरे हिसाब से। तो जो लास्ट प्लांट के बारे में बताना चाहती हूँ वो है ये रबर प्लांट। तो ये रबर प्लांट भी बहुत ही हार्डी प्लांट है, इसको ऐसे छोटे से एक पॉट में मैंने यहाँ पे ग्रो किया है। ये देखिए कितना छोटा सा मेरा पॉट है और इसको मैंने एक मेरे पास ऐसे पुराने से आदि के एक कप था उसमें मैंने ग्रो किया है। तो ये जो प्लांट है ये भी सेम प्लांट है, इसको भी पानी की बहुत कम जरूरत है और ये इंडोर में ग्रो हो सकता है, इसको धूप की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये ऐसे जगह पे ग्रो हो सकता है जिसमें सूरज की रोशनी तो नहीं बट थोड़ा सा ब्राइट लाइट आती है, इसको वैसा वाला रोशनी चाहिए। बट एक चीज मैं आप लोगों को बताना भूल गई, ZZ प्लांट जो होता है ZZ प्लांट अंधेरे में भी ग्रो कर सकता है। तो ये बहुत ही अच्छा प्लांट है, आप लोग जरूर ट्राई कीजिए। बाथरूम के अंदर जहां पे हम लोग लाइट बंद करके रखते हैं उस जगह पे भी ZZ प्लांट बहुत अच्छा होता है। बट ये जो रबर प्लांट है इसको आप लोग ऐसे किसी विंडो में रखिए जिसमें धूप तो नहीं आती है लेकिन हाँ उसमें बहुत सारा यू नो लाइट्स आते हैं। जैसे कि मेरा जो ये विंडो है इस विंडो पे सुबह का 2 घंटे का धूप आता है, उसके बाद यहाँ पे कोई धूप नहीं आता है, बट ऐसी ब्राइट रोशनी इसमें हमेशा रहता है। तो ये जो है ये यहाँ पे बहुत अच्छा ग्रो करेगा, थोड़ा सा कम रोशनी में ग्रो कर जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस इस प्लांट का भी सेम है कि इसको आप लोग ओवर वाटरिंग मत कीजिए, तभी इसमें वाटरिंग कीजिए जब इसकी मिट्टी बिल्कुल सूख जाए। उंगली डालिए, उंगली अगर यहां तक आप लोगों को सूखा आ रहा है दैट मींस उस पौधे में आपको पानी डालना है, तभी आप लोग पानी डालिए। और मैं आप लोगों को बता देती हूँ इनके जो पत्ते होते हैं ना ZZ प्लांट इस प्लांट के, इन लोगों के पत्ते में ये लोग काफी पानी स्टोर करते हैं। इवन आप लोगों का जो ये वाला जो प्लांट है इसके जो रूट होते हैं, कभी अगर आप लोगों ने देखा होगा तो इसका रूट वल्व होता है। वल्व क्या होता है, जिसके अंदर प्लांट अपने पानी को स्टोर रखता है। तो इन पौधों को अगर आप लोग एक दो दिन भूल भी जाते हैं पानी देना तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, इसलिए पौधों को हमेशा कम पानी दीजिए तो आपके पौधे बहुत अच्छा रहेंगे। और ये जो प्लांट है इसका प्रोपेगेशन भी बहुत ईजी है, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ पास से। ये देखिए इसके हर एक पत्ते के यहाँ से ना रूट्स निकलना शुरू हो गया है। तो इसको मुझे क्या करना है ना, अगर मुझे एक से दो करना है बस मैं एक पत्ता तोड़ूंगी और उसको मैं मिट्टी में रख दूंगी। 3 वीक के अंदर ये एक अच्छे से उसके रूट को डेवलप कर लेगा और दूसरा एक प्लांट को निकलना ये स्टार्ट कर देगा। मतलब पत्ते से इजीली आप ये एक प्लांट से दूसरा प्लांट कर सकते हैं। तो अगेन ये प्लांट मेरा बहुत छोटा है इसलिए मैंने अभी इनका प्रोपेगेशन स्टार्ट नहीं किया है, बट बहुत जल्दी करूंगी, आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो ये था जो 5 कॉमन हाउस प्लांट है जो आप लोग घर के अंदर रख सकते हैं, जो बिगिनर्स है वो लोग ये प्लांट को घर के अंदर रख सकते हैं, बहुत इजीली आप लोग ग्रो कर सकते हो। सिर्फ इंडोर प्लांट की आप लोगों को एक चीज ध्यान देना है कि इंडोर प्लांट को अगर मॉर्निंग की थोड़ी बहुत देर की धूप मिल जाती है तो दैट इज फाइन, अगर नहीं मिलती है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लाइट की जो आर्टिफिशियल लाइट्स होते हैं, आर्टिफिशियल जो रोशनी होती है मतलब घर के अंदर की जो ट्यूबलाइट के लाइट्स होते हैं, उस लाइट से भी ये सारे प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो करता है। सिर्फ आप लोगों को ध्यान रखना है इसकी पानी तभी डालिए जब आपकी मिट्टी बिल्कुल सूख गई है। आप लोग मेरा ये एक टिप्स ध्यान रखिए और देखिए आप लोगों का जो इंडोर प्लांट्स है, आपके जो मनी प्लांट्स है कैसे अच्छे से ग्रोथ करते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए, और ये सारे प्लांट्स के बारे में अगर आप लोगों को कुछ भी और जानना है तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगी। और क्योंकि मैंने अभी गार्डनिंग शुरू किया है तो मेरे पास बहुत सारे प्लांट्स है नहीं, मेरे पास और भी 2-3 इंडोर प्लांट्स है जिसका
सा वीडियो में बाद में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, बिकॉज इस वीडियो में दिखाने जाऊंगी तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। तो ये सारे प्लांट के बारे में आप लोगों को अगर कुछ भी जानना है, इसका वाटर रिक्वायरमेंट, इसका सनलाइट रिक्वायरमेंट, इसका खाद रिक्वायरमेंट, ये सारे जो इंडोर प्लांट्स होते हैं इनकी खाद की बिल्कुल जरूरत नहीं होती है। आप अगर 6 महीने में एक बार इनको थोड़ा सा लिक्विड खाद दे देते हैं तो इनके लिए बहुत हो जाता है, इनफ हो जाता है। तो बस यही था आज की वीडियो में। तो वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, और आप अगर मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब बटन के नीचे जो बेल आइकन है उसको क्लिक करना बिल्कुल मत भूलना। तो चलिए फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए बाय बाय।